हेलो ड्यून। तो आज हम लोगों की क्लास 9 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस, नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर हम लोग करा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें करना है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा दिया था और 1 भी हो चुका है। यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, पूरा आप चैप्टर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 और 2 भी हो चुका है। यहीं पर मैंने खत्म किया था लास्ट वाली क्लास में, आज यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग मतलब A1 by A2 निकालना है, B1 by B2, C1 by C2 निकालना है। अब एक यहाँ पर पिछले में क्या था आपको बताना था, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल या कोइंसिडेंट। अब की बार आपको बताना है कि सोल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर इन लिखा हुआ है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो सिंपल मैं आपको जुगाड़ बता दूँ, जब भी सोल्यूशन आएगा तब तब कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। अब वो सोल्यूशन एक भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, एक ही केस में नो सोल्यूशन होता है उन्हीं में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। उस बिहाव पे ये आपका क्या देगा भाई, इसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो ये क्या देगा, कंसिस्टेंट देगा। क्या देगा, कंसिस्टेंट देगा, ठीक है। और ये भी इनफाइनाइट आ रहा है तो ये भी क्या देगा, कंसिस्टेंट देगा। अच्छा इनकंसिस्टेंट कौन देगा, जिसमें आपका नो सोल्यूशन आता है, तो ये नो सोल्यूशन वाला ही क्या दे देगा आपका, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आई थिंक आप पूरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। काम वही करना है, अगेन A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तीनों निकाल लेना है, तीनों नहीं निकालना है, है ना, निकालना है लेकिन सबसे पहले A1 by A2 निकालना है, फिर B1 by B2, उन दोनों को चेक कर लेना है। अगर वो दोनों बराबर नहीं आए पहले केस पे चले जाओगे, अगर बराबर, अब फिर अगर मान लो बराबर आ गए तो फिर C1 by C2 निकालना, फिर इन दोनों में से चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहले का सोल्यूशन अगर मैं निकालूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मेरे सामने लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब यहां पर क्या लिखना है, A1 by A2, A1 है क्या, x का कोफिशियंट, और दूसरे पहली वाली इक्वेशन के x का कोफिशियंट A1, दूसरे का A2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको पहला मानूं या दूसरा, ठीक है, तो आप किसको भी मानिए, बस अत्य जिसको मानिएगा उसी को हमेशा मानिएगा, जो पहले लिखा है A1 by A2। तो यहां पर A1, चलो इसी से लिख देता हूं, यहां पर अगर ध्यान दो पहले में तो A1 by A2 इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2, सही है ना, A1 upon A2, ठीक। अच्छा बताओ जरा B1 upon B2, B1 upon B2 कितना है, तो 2/, बताना जरा, 2/3 नहीं, 2/-3 है, तो -3। अब बताओ यहाँ पर क्या मैं C1 C2 पे जाऊँगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पर क्या दिख गया, मुझे दिख गया A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। और अगर A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि देख लो A1 upon A2 नॉट इक्वल B1 by B2, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट। हालांकि आपसे खाली यही पूछा है कंसिस्टेंट होगा या नहीं, तो हाँ ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था, बस A1 by A2 B1 by B2 से कंपेयर कर दिया, कहानी खत्म। तो पहला क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। और भी रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इंटरसेक्टिंग है ये, भला कि पूछा काली कंसिस्टेंट है, तो इतना ही बता देंगे, ठीक, समझ गए ना भाई। एक 3/2 है और एक -2/3 है, एक पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, कभी बराबर ये नहीं है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी नॉर्मल भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ओके, तो आई थिंक नोट कर लिए होगे। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है A1 upon A2 मतलब 2/4, सही है ना भाई, 2/4। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला -3/-6, -3/-6, तो माइनस से माइनस खत्म, और ये 3/6 का मतलब 1/2 हो गया, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या मतलब, अब किसकी तरफ, अब ये दोनों बराबर आ गए ना, A1 by A2 B1 by B2, तो किसकी तरफ हरी झंडी मिल गई, C1 by C2। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, C1 upon C2, तो C1 by C2 बताओ जरा। अच्छा C1 by C2 कुछ लोग कहेंगे कि सर आप बोले थे सारी चीज़ें LHS में करके करो, यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब ये कॉन्स्टेंट टर्म तो RHS में है, तो उससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि या तो दोनों RHS में हो, दोनों RHS में हो, और या तो दोनों LHS में हो। क्यों, क्योंकि मान लो आप इसको इधर लेकर आओगे तो -8 हो जाएगा, अब यहाँ पर -8 लिखूंगा, और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो भी ये कितना होगा, -9 हो जाएगा ना,
अब देखो एट ये दोनों खत्म हो गया कि नहीं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि या तो दोनों आरएचएस में ही रहे तब डायरेक्ट लिख देना, और या तो दोनों एलएचएस में है तब तो काम से, एक इधर उधर है तब गड़बड़ है, तब दोनों को एक साइड ले आना। आई थिंक मेरी बात समझ पाए होगे। ठीक, तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो सी वन बाई सी टू कितना आएगा, तुम्हारा मन कहे तो माइनस एट अपॉन माइनस नाइन लिख लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कटपिट के कितना आ जाएगा, एट अपॉन नाइन। अब बताओ जरा यहां पर क्या कंडीशन बन रही है, यहां पर कंडीशन बन रही है सर, क्या बन रही है, ए वन अपॉन ए टू जो है 1/2 है, बी वन अपॉन बी टू भी कितना है 1/2 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन सी वन अपॉन सी टू जो है वो 8/9 है। अगर ये 8/9 है इसका मतलब कंडीशन कौन सी बनी, सेकेंड वाली, और सेकेंड वाली कंडीशन मतलब नो सोल्यूशन वाली, और नो सोल्यूशन का मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आई थिंक आप समझ पाए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गए ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ इनकंसिस्टेंट, आप लिख दीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट थर्ड वाला, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। चलो अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ थर्ड वाला, तो थर्ड वाले पे आ जाओ भाई। क्या थर्ड वाला क्या कह रहा है, ए वन अपॉन ए टू बताओ जरा यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा सर a1 अपॉन a2। अब यहाँ पर बहुत गड़बड़ी होती है, देखो तो x के बगल ये a1 है तो ये 3 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये वाला अपॉन यहाँ पर आया, b1 अपॉन b2 कितना 9 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं, अभी मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। अगला बताओ जरा, b1 अपॉन, अच्छा इसको सॉल्व भी करने लगे हैं आप, नहीं तो गड़बड़ आपको लगने लगे। तो अब ध्यान से देखो, जब ऐसा केस बने, ऐसा ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए दो केस में बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे x अपॉन a अपॉन b लिखा है, ठीक है, तो ये इस केस में क्या होता है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, जो मेन वाला है, इस केस में ये नीचे चला जाता है, मतलब ये लिखते हैं x अपॉन a b लिखते हैं। ठीक है, और एक ये कन्फ्यूजन हो जाती है, x अपॉन बड़ा सा a अपॉन b, ठीक है, यही दो कंडीशन बनती है। तो जब ये मेन वाला है तो इस कंडीशन में ये ऊपर चला जाता है, तो ये बी एक्स अपॉन ए, और अगर चार होते हैं तब तो कन्फ्यूजन होती ही नहीं है। जैसे अगर लिखाऊं एक्स अपॉन वाई अपॉन ए अपॉन बी, इस कंडीशन पे तो जानते हो सर एक्स अपॉन वाई होगा और ये पलट जाएगा, मतलब बी अपॉन ए हो जाएगा, ये आप जानते ही हो, इन्हीं दोनों में है। तो इसको एक काम करो, तुरंत नोट कर लो ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगर एक्स अपॉन ए है, बड़ा सा लाइन ड्रॉ किया गया है तो ये ए नीचे चला आता है, एक्स अपॉन बड़ी सी लाइन और ये बी ऊपर चला जाता है, दोनों आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हाँ तो नोट कर ही लिए होंगे, नहीं किए हो तो वीडियो रिपीट करके कर लेना। ठीक है, यही कंफ्यूजन होती है, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं लग पाता, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब इस कंडीशन में बताओ किस वाले केस में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, ये क्या बताया हूं, ये इधर नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा तो कितना, 3/2 × 9। ठीक है, अब 3 से कट कर दो कितना आ गया, 1/ भाई 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ये किसकी वैल्यू आई, ए वन अपॉन ए टू। चलिए भैया अब बताइए बी वन अपॉन बी टू, तो सर बी वन अपॉन बी टू जो होगा 5/3 × −10, 5/3 बड़ा वाला अपॉन −10। अब बताओ आगे इसको सॉल्व करो या ना करो, ये पूरा पॉजिटिव था, ये निगेटिव आ रहा है, मतलब ये बराबर होगा नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए केवल सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5/3 नीचे चला आएगा, 3/−10 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको 5 से कट कर दो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 × −6। अब बताओ जरा ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन साइन बराबर नहीं है। तो a1/a2 ≠ b1/b2, और अगर ऐसा होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, लिख दीजिएगा दिस सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये एरो नहीं है भाई, पहला समझाया, दूसरा और ये तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। अब मैं वीडियो पॉज करके जो इसमें 5 आई थिंक हैं, 2 और बच रहे हैं, उनको भी राइट कर देता हूँ, फिर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो चौथा और पांचवा, मतलब थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैं फोर्थ कराने जा रहा हूँ। ठीक, काम वही करना जो अब तक बताया हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 क्या लिखेंगे, 5/−10,
फाइव अपॉन माइनस टेन, सही है ना भाई। इसको सॉल्व कर लो कितना आ गया, ये आ जाएगा सर वन अपॉन टू, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। चलो बी वन अपॉन बी टू बताओ, बी वन अपॉन बी टू जब निकालने जाएंगे सर तो माइनस थ्री अपॉन सिक्स, माइनस थ्री अपॉन सिक्स कट, इसको कट करोगे तो माइनस वन अपॉन में टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस वन अपॉन टू, ये भी माइनस वन अपॉन टू, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन अपॉन सी टू बताओ जरा भाई। अब देखो दोनों चीज़ें आरएचएस में हैं, इधर ही हैं, इधर ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। इलेवन अपॉन माइनस ट्वेंटी टू, इलेवन अपॉन माइनस ट्वेंटी टू, इसको कट करो भाई जरा कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, इलेवन टू का, ठीक है। तो इस बिहाव पर क्या देखा जा सकता है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ए वन अपॉन ए टू जो है वो बराबर है बी वन अपॉन बी टू के और बराबर है सी वन अपॉन सी टू, तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो इसको नोट कर लो, ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक नोट कर लिए होगे, ये आ जाएगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दीजिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, सतत आई थिंक हिंदी में बोलते हैं आप, तो मैं हिंदी में बोलना ही भूल गया, आप कमेंट करते नहीं तो मुझे जो रेगुलर हैबिट में है वही मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर हिंदी वाले पढ़ते हो तो कमेंट किया करो, मैं हिंदी में चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे, रफ कर दूँ, चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है अभी। फिफ्थ पार्ट सर कुछ भी नहीं, सेम ही है, बस क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। ए वन अपॉन ए टू निकालो भाई, ए वन अपॉन ए टू फिफ्थ वाले में, अभी जस्ट समझाया हूँ, रूल गड़बड़ मत करना। ए वन अपॉन ए टू का जो आ जाएगा तो देखो ए वन अपॉन ए टू मतलब फोर बाई थ्री अपॉन में ये वाला अपॉन इधर आया, फोर अपॉन थ्री ए वन अपॉन ए टू कितना टू, अभी जस्ट समझाया था क्या करते हैं इस टाइप में, ये थ्री कहाँ आ जाता है नीचे, अभी यहाँ पर बगल में समझाया हूँ, तो फोर अपॉन थ्री इंटू टू, इससे कट कर दो तो टू टू ज़ा फोर कितना आ गया टू अपॉन थ्री, ये क्या आया ए वन अपॉन ए टू। चलो भाई बताओ जरा बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, बी वन अपॉन बी टू अगर सर निकालेंगे तो टू अपॉन में थ्री, टू अपॉन में थ्री, ठीक है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, माइनस माइनस था ही नहीं। अगर C1 अपॉन C2 दोनों RHS में ही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बताओ जरा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 निकालेंगे 8 अपॉन 12, 8 अपॉन 12, इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर कर लेते हैं हम लोग तो 8 अपॉन 12 को सॉल्व करने पर 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तीन 12, यहाँ भी सेम कहानी रिपीट हो गई, ए वन अपॉन ए टू 2 बाई थ्री, बी वन अपॉन बी टू 2 बाई थ्री, सी वन अपॉन सी टू 2 बाई थ्री, इसका मतलब यहाँ भी डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो ए वन अपॉन ए टू है वो बराबर है बी वन अपॉन बी टू के बराबर है सी वन अपॉन सी टू के, ए वन अपॉन ई टू बी वन बराबर, मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो आई थिंक समझ पाए होगे, कोई डाउट की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो चौथा और पांचवा दोनों आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और इन ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, ये सब आएगा कितना मिलकर, ये आ जाएगा आपका, लिखा है आपके सामने कितना, टू बाई थ्री, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो चलिए। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर है सेम ऐसे ही है, बट जैसे अब यहाँ पर आ गया कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन निकलेगा तो ठीक है, लेकिन अगले वाले में क्या करना है, यहाँ तक तो चेक करके बता देना, अगले वाले में हमें चेक करना है, अगर नो सोल्यूशन है तब तो छोड़ दो सोल्यूशन आएगा ही नहीं, और अगर जो सोल्यूशन आएगा तो हमें वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहेगा, किस मेथड से, अभी तक आप ग्राफिकल ही पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर वन में, ग्राफिकल जो बनाया था उसी से, तो आज यहाँ पर हम यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फोर जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्लास नंबर 10 में, ठीक है। अभी तक जितनी बातें बताया उतना समझ में आई थिंक आया होगा, अगर समझ में आया है तो वही विक्ट्री का साइन। अच्छा कुछ लोग करते भी हैं, एक आई थिंक नाम अगर मैं सही हूँ तो अनामिका, वो लगातार आप क्लास ले रही हो, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करते हो, तो ये देख कर ये
पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलिए कोई लास्ट तक तो देखता है, मुझे लगा कि सब ऐसे निपटा देते हैं। तो बहुत आपको दिल से आभार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करते रहिए। जो लोग कमेंट करेंगे लगातार मैं उनका नाम भी लेता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस यहीं होल्ड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और कोई एक है भाई याद आया, मैं जो कुछ याद नहीं आ रहा है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो फिर से कमेंट करना भाई, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका नाम ले लूँगा, कुछ गेमर करके है ऐसे कुछ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।